फ्रेंड्स, एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के चार मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। मैं आपके बीच इसके कुछ एस्पेक्ट पर और विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला देश है। भारत की वर्तमान क्षमता करीब 250 MMTPA की है, जिसे बढ़ाकर 450 MMTPA करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। हम अपनी रिफाइनिंग इंडस्ट्री को लगातार इंडिजीनियस, मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। हम अपनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की दिशा में भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भारत के रिच टेक्नोलॉजी पोटेंशियल और ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम का उपयोग करके आप सभी अपने एनर्जी लैंडस्केप का विस्तार कर सकते हैं। साथियों, हम 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इसे 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य तय किया गया है। हमारा वन नेशन वन ग्रिड ये विजन, इसके लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा। हमारा प्रयास है कि एलएनजी टर्मिनल रीगैसिफिकेशन क्षमता को बढ़ाया जाए। 2014 में हमारी क्षमता 21 MMTPA की थी, जो 2022 में करीब दोगुनी हो गई है। इसे और बढ़ाने के लिए काम जारी है। भारत में 2014 के मुकाबले सीजीडी की संख्या भी 9% हो चुकी है और 9 गुना बढ़ चुकी है। 9 गुना, 9 टाइम। हमारे यहां 2014 में सीएनजी स्टेशन भी 900 के आसपास थे, अब इनकी संख्या भी बढ़कर 5000 तक पहुंच रही है। हम गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। 2014 में हमारे देश में गैस पाइपलाइन की लंबाई करीब 14,000 किलोमीटर थी, अब ये बढ़कर 22,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। अगले 4-5 साल में भारत में गैस पाइपलाइन का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, यानी भारत के नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लिए
निवेश की बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, आज भारत का जोर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर है। ईएनपी सेक्टर ने उन इलाकों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है जो इनएक्सेसिबल समझे जाते थे। आपकी इन भावनाओं को समझते हुए हमने नो गो एरियाज में कमी की है। इससे 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया नो गो की पाबंदियों से मुक्त हुआ है। अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो नो गो एरियाज में भी ये कमी 98% से भी ज्यादा है। ये सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा कि आप इन अवसरों को इस्तेमाल करिए, फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन में अपनी मौजूदगी बढ़ाइए।